अध्यक्ष विकास प्रसाद बीनू जी बैठे हुए हैं। दलित सेना की तरफ से हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा हुआ, उसमें मेरा 3 डिमांड था। क्योंकि पासवान जी दलितों के बहुत बड़े नेता थे और सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में इनको काम करने का मौका मिला, और जब जब भी मौका मिला, चाहे रेल मंत्रालय हो, लेबर मंत्रालय हो, वेलफेयर मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मंडल कमीशन लागू किया, हाजीपुर रेलवे जोन को स्थापित किया, तो भारत रत्न की उपाधि सेकेंड अम्बेडकर के रूप में स्वर्गीय पासवान जी को मिलना चाहिए। और दिल्ली में कहीं भी एक स्मारक पासवान जी के नाम से होना चाहिए। प्रेस वाला ने, मैंने कहा कि इसके लिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार एक प्रस्ताव पास करके भेजे भारत सरकार को कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इस पर प्रेस वाले ने हमसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री के यहाँ चिट्ठी भेजेंगे, आप जाएंगे? मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आप ये बताइए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो अच्छे प्रशासक हैं, सुशासन बाबू हैं या कुशासन बाबू? मैंने कहा अच्छे प्रशासक हैं, और जब मैं उनके सरकार में मंत्री था तो उनका काम करने का तौर तरीका जो था, वो बिहार के विकास की बात करते थे हम लोगों से, वो अच्छे प्रशासक हैं, और बिहार के जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से बिहार का विकास हुआ है। इतनी बात की जानकारी देने के बाद चिराग पासवान वहाँ से आग बबूला हो गया, और मैं वहाँ गया चिराग पासवान जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, आपने नीतीश कुमार के पक्ष में क्यों बयान दिया? मैंने कहा जो सही बात है मैं बयान दूंगा, तो मैं नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहता हूँ, और आप नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए पार्टी विरोधी काम आपने किया है, मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करूँगा। मैंने कहा कि भाई तू हमको क्या निष्कासित करोगे, भाई तो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, आपको तो मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देता हूँ। तो नहीं नहीं आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, सो आपके खून में और मेरे खून में फर्क है, ये चिराग पासवान ने कहा। और उस समय जिसमें ये बात बोला उसमें मैं, उसकी माँ बैठी हुई थी वहाँ, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे, और मेरा बेटा ये सिराज बैठा हुआ था, सबों के बीच में उसने कहा कि हमारे खून में और आपके खून में फर्क है। मैंने उससे कहा कि जो ये क्या चिराग जी तुम बोल रहे हो? कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि आज के बाद से, यदि ये बात सही तुम बोल रहे हो, आज के बाद से ना तुम मेरा भतीजा हो और ना मैं तुम्हारा चाचा हूँ, खबरदार आज के बाद से तुम चाचा शब्द का प्रयोग नहीं करना। उस दिन से मतभेद हुआ, पार्टी टूटी, पासवान जी स्वर्ग चले गए। निश्चित रूप से करना चाहिए, वो तो हमारे जो दलित सेना के पदाधिकारी हैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग से ये लोग अलग से मांग करेंगे कि क्या क्या घटना हुई है, पासवान जी के साथ में क्या हुआ है, पासवान जी की क्या इच्छा थी, और चिराग पासवान ने क्यों पासवान जी की इच्छा के विरुद्ध गठबंधन को तोड़ा। आज जिसे चिराग पासवान आरोप लगा रहा है कि 12 जनपद हमारे चाचा ने खाली करवाया, या 12 जनपद जब खाली हुआ तो हमारे चाचा जी भारत सरकार के मंत्री थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो भारत सरकार ने 6-6 बार नोटिस दिया चिराग पासवान को कि आप बंगला खाली करो, फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगला खाली करो, जब इसने बंगला खाली नहीं किया तो प्रशासन ने खाली करवाया। हम एक बात आपसे पूछते हैं कि बंगला में उतना कीमती सामान था, सब सामान रात में ढो के ले गया चिराग पासवान, और बड़े साहब का टूटा फूटा हुआ फोटो जाकर के रोड पर रख करके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसने फ़ोटो खिंचवाया, चिराग पासवान का फोटो क्यों नहीं था रोड पर? उसका उतना जो कीमती जूता है, सूट है, कोट है, वो क्यों नहीं रोड पर था? रीना पासवान का फोटो क्यों नहीं था रोड पर कि सिर्फ पासवान जी का फोटो था? और 12 जनपद खाली हुआ, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? मैं तो कहता था तुम गठबंधन में चुनाव लड़ो, आज गठबंधन में चुनाव लड़ता तो 12 जनपद भी रहता और भारत सरकार का मंत्री चिराग पासवान नहीं होता, बिहार में हमारी हम सरकार के भागीदारी होते, हमारा बिहार में 4 को 5 को मंत्री होता, 15-20 हम विधायक होते, तो ये तो उसने ही किया ना, तो बिहार का सपना दिखला दिया उसको कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, उसने कहा कि नीतीश कुमार को जेल भेज देते हैं, हम अकेले बन जाए, इतना डरपोक हम थोड़े हैं।
यात्रा मेरा जारी है, जारी रहेगा, सदैव रहेगा। सर एक मांग किया चिराग पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास के नाम पर। चिराग पासवान ने आज मांग किया, मैं आज से 1.5 वर्ष पहले से मांग कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, होना चाहिए। और आज से 2 महीना पहले जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो प्रिंस राज जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में मांग किया कि हाजीपुर में पासवान जी के नाम से हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। मैंने वही मांग नहीं किया, मेरा 4 डिमांड है। पहला मेरा डिमांड है पासवान जी के नाम से भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। दूसरा डिमांड है कि हाजीपुर में मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, पर्सनली जाकर मैंने कहा भी है कि हाजीपुर में पासवान जी की मूर्ति लगना चाहिए। और तीसरा मेरा डिमांड है कि 5 जुलाई को पासवान जी का जन्मदिन है, उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित होना चाहिए, सरकार के द्वारा व्यवस्था होना चाहिए। और चौथा मांग है, मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासनिक चूक हुई है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार पहली बार जो हमला हुआ तो उसमें मालूम हुआ कि वो व्यक्ति पागल था, वो व्यक्ति इंक्वायरी भी हुआ, मेडिकल रिपोर्ट भी आया है। दूसरा बार जो हमला हुआ उसकी जाँच चल रही है, उसमें क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद पता चलेगा।